आज हम ट्रेंड में चल रहा पाकिस्तानी ये नेक डिज़ाइन बहुत ही आसान स्टेप्स के साथ बनाएंगे इसमें मैंने ये जालीदार लेस ली है और ओपन बटन प्लेकेट बनाया है तो स्टेप्स जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें नेक डिज़ाइन के लिए मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है जिसकी लंबाई चौदह इंच है और चौड़ाई हमें फोल्ड करने के बाद लगभग साढ़े इंच लेनी है अब देखिए यहाँ पर गले की जो तैयार चौड़ाई है वो मुझे तीन इंच चाहिए तो पहले हम तीन इंच पर निशान लगाएंगे और उसके बाद देखिए जो हम प्लैकेट लगाएंगे और लेस लगाएंगे तो उसके हिसाब से हमें सवा इंच एक्स्ट्रा लेना है वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव एक्स्ट्रा लेना है अब इसी तरीके से गले की लंबाई मुझे तैयार सात इंच चाहिए तो उसमें भी हम सवा इंच एक्स्ट्रा लेंगे सवा आठ इंच पे मैंने ये निशान लगाया है और उसके बाद हमें प्लेकेट की लंबाई के लिए निशान लगाना है प्लेकेट की लंबाई यहाँ पर हम छः इंच लेंगे अब देखिए प्लेकेट को चौड़ा कितना रखना है अब नेक डिज़ाइन में आपने देखा होगा कि वी नेक से लेके कर तक जो पट्टी है वो एक इंच चौड़ी है और दोनों तरफ हम लेस लगाएंगे और लेस की चौड़ाई चौथाई इंच है तो टोटल डेढ़ इंच चौड़ा वो बॉर्डर तैयार होगा तो उसका हम आधा करके यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरीके से डेढ़ इंच का आधा करके पौन इंच पर मैंने ये निशान लगाया है सामने भी इस तरीके से पौन इंच पर निशान लगा दें अब इन सभी निशानों को हम स्केल की हेल्प से इस तरीके से मिलेंगे पहले प्लेकेट वाला लंबाई का निशान लगाएं और उसके बाद वी नेक का इस तरीके से निशान लगा दें अब हम इस पूरी नेक लाइन को बाहर की तरफ से एक इंच चौड़ा रखकर और स्पेसिंग पेपर पर निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से कटिंग करने के बाद अंदर की तरफ जो हमें प्लेकेट बनाना है उसको हम इस कटिंग में से ही निकालेंगे अब देखिए यहां पर हमने सवा इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था उसमें चौथाई इंच की ये लेस आएगी बाकी एक इंच की हमें यहाँ पर पट्टी लेनी है तो पूरे में एक इंच पर निशान लगा दें सेम शेप में हमें एक इंच पर निशान लगा देना है अब इन सभी निशानों को स्केल की हेल्प से मिलाएं और इस पट्टी की कटिंग कर लें इस तरीके से नेक डिज़ाइन के लिए एक साइड की जो पट्टी है वो हमने कट कर ली है अब सेम शेप की और सेम साइज़ की एक और पट्टी हम इस पेस्टिंग पेपर में से निकालेंगे इस तरीके से अच्छे से सेट कर लें और यहाँ से सेम साइज़ की एक और पट्टी निकाल दें इस तरीके से हमने नेक डिज़ाइन के लिए कटिंग कर ली है अब देखिए इस तरीके से वी प्लेकेट तैयार होगा बाहर की तरफ से हमने जो नेक की कटिंग की थी वो कुछ इस तरीके से सेट होगा बीच में जो गैप दिख रहा है वहाँ पर हमें ये लेस लगानी है अब सभी कटिंग्स को मैंने कपड़े के ऊपर चिपका दिया है प्लेकेट के लिए जो कटिंग थी वो हम बाद में तैयार करेंगे पहले इस नेक को तैयार कर लेते हैं इसे बाहर की तरफ से मैंने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको पूरे में इस तरीके से फोल्ड करके और सिलाई लगा दें अब इस कटिंग को फोल्ड करके और सेंटर में एक कट लगा दें ऊपर की तरफ से सिर्फ आधा इंच सिलाई में जो शोल्डर लाइन में जाएगा उतना कपड़ा ही एक्स्ट्रा छोड़ें अब हम फ्रंट पैनल लेंगे देखिए शोल्डर लाइन का ये सेंटर है और नेक का जो सेंटर है दोनों आपस में मिलाएं और बिल्कुल बीच में अच्छे से इस नेक लाइन को सेट करके बीच में एक बड़ी सिलाई लगा दें अब हम इस नेक लाइन को अंदर की तरफ से सिलाई लगाएंगे पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल पास में सिलाई लगाएं और जो नेक का शेप है सेम उसी शेप में हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है सिलाई लगाने के बाद आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ से एक्स्ट्रा छोड़ें और बाकी कपड़ा कट कर लें दोनों कोनों पर भी हमें एंड तक कट लगाना है ध्यान रहे कि सिलाई कट नहीं होनी चाहिए अब इस पेस्टिंग पेपर को हम पूरा पीछे की तरफ घुमाएंगे कुर्ती के नेक को हमने इस तरीके से तैयार किया है अब हमें इसमें प्लेकेट लगानी है तो जो ये पट्टियां हमने कट की थी अब दोनों को तैयार करने का एक ही तरीका है तो सिर्फ एक मैं आपको तैयार करके बताऊंगी अब देखिए इसमें जहाँ पर गोलाई है वहां पर छोटे कट लगाएं और एक साइड से इस तरीके से ग्लू की हेल्प से कपड़े को फोल्ड कर लें अगर आपके पास ग्लू अवेलेबल नहीं है तो आप बड़ी सिलाई लगाकर भी इस कपड़े को फोल्ड कर सकते हैं अब इसे अंदर की तरफ से सिलाई लगाने के लिए इसे एक कपड़े के ऊपर रखें यहां से बिल्कुल सीधा कट कर लें जहां से हमने फोल्ड किया है उस साइड में हमें आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है क्योंकि उस पट्टी में भी हमें फोल्ड करना है जहाँ पर गोलाई है वहाँ छोटे कट लगा दें अब जिस शेप में ये पट्टी है उसी शेप में हमें सिलाई लगानी है पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल पास में सिलाई लगाएं अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लें अब देखिए नीचे की तरफ जो हमने कपड़ा रखा है उसको भी हमें फोल्ड करना है तो सेम साइज़ का इस तरीके से फोल्ड करके एक बार क्रीज बना दें आयरन करके क्रीज बनाएं और उसके बाद इसे भी ग्लू की हेल्प से इस तरीके से फोल्ड करें अब हम इस पट्टी को सीधा कर लेंगे दोनों पट्टियां हमें इस तरीके से तैयार करनी है सीधा करने के बाद भी एक बार इसके ऊपर आयरन घुमा दें दोनों पट्टियां रेडी हैं अब इसमें हमें लेस लगानी है जो जालीदार लेस हमने ली है देखिए इस तरीके से बिल्कुल किनारी पर हम इसे रखेंगे सामने वाली साइड से इसे कवर करेंगे और उसके बाद किनारी पर सिलाई लगाकर इसे दोनों कपड़ों के बीच में रखकर और जोड़ते जाएंगे देखिए लेस में जो साइड से किनारी दिख रही है सिर्फ वही स्लाई के अंदर दबाना होता है उससे ज़्यादा आप नहीं दबा सकते नहीं तो लेस का जो पैटर्न है वो दिखेगा नहीं तो ध्यान से बिल्कुल थोड़ा ही लेस को अंदर दबाना है और दोनों कपड़ों के बीच में रखकर यहाँ पर सिलाई लगानी है दूसरी पट्टी भी सेम इसी तरीके से तैयार कर लें देखिए इस तरीके से हमने लेस लगा दी है अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर इस तरीके से ओवरलैप करें अब यहां पर दोनों को जोड़कर पहले हम एक बड़ी सिलाई से इसे फिक्स कर लेंगे बाद में हम ये सिलाई खोल देंगे देखिए लेस के साथ मैंने वी नेक और प्लेकेट को इस तरीके से तैयार कर लिया है अब जो नेक हमने कुर्ती में तैयार किया है उसके बीच में हमें इसे अच्छे से सेट करना है यहाँ इसे नीचे की तरफ अंदर दबा दें अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ते जाएंगे देखिए यहाँ भी हमें ध्यान रखना है कि लेस का पैटर्न जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए सिर्फ़ थोड़ा ही लेस का हिस्सा हमें इस कपड़े के नीचे दबाना है और किनारी पर सिलाई लगानी है इस तरह सारी मेज़रमेंट्स को ध्यान में रखकर आप ये प्रॉपर नेक डिज़ाइन बना पाएंगी पाकिस्तानी स्लीव्स भी अभी काफ़ी ट्रेंड में है उनके भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप इस तरीके से पाकिस्तानी स्टाइल कुर्ती घर पर ही तैयार कर सकते हैं देखिए दोनों को मैंने आपस में अच्छे से जोड़ते हुए यहाँ किनारी पर सिलाई लगा दी है ये ट्रेंडी पाकिस्तानी वी नेक डिज़ाइन ओपन बटन ब्लैकेट के साथ तैयार हो चुका है देखिए लेस भी यहाँ अच्छे से फिक्स हो चुकी है प्लैकेट पर आप हुक एंड आई या बटन्स लगा सकते हैं और ये नेक डिज़ाइन आप ज़रूर ट्राई करें आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो